हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेजेंसी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वेलिंग के बारे में। जी हाँ, प्रेगनेंसी में स्वेलिंग क्या सामना ज़्यादातर लेडीज़ को करना पड़ता है, जो कि पैरों में सबसे ज़्यादा स्वेलिंग के मामले देखे जाते हैं। तो ऐसे में हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे कि आप इस परेशानी आपका नहीं करना पड़े, इसका सामना ना करना पड़े। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना। तो बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लोग कारण जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में स्वेलिंग के कारण क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कि ज़्यादा देर तक खड़े रहना। जी हाँ, प्रेगनेंसी में अगर आप ज़्यादा टाइम तक खड़े रहती हैं, किचन में खड़े होकर खाना वगैरह बनाती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में पैरों में सूजन आ जाती है। और ज़्यादा देर तक आप जैसे कि वॉक करती हैं अगर, तो उससे भी ज़्यादा स्वेलिंग देखी जाती है। इसके बावजूद अगर आप का बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है 9 मंथ में, पैरों में स्वेलिंग ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि बेबी का वेट बढ़ चुका होता है, बेबी को ग्रोथ कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि पैरों के ऊपर नसों में दबाव आता है और जिससे कि पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। इसके बाद आता है कि जैसे ही अगर आपकी की बॉडी में पानी की कमी होती है, तो इससे भी क्या होता है कि स्वेलिंग आ सकती है। आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी में पानी को कंज्यूम अच्छे से करें जिससे कि स्वेलिंग ना आ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो गए कि किससे स्वेलिंग आती है, और अब हम जान लेते हैं कि किस चीज़ों से के बचाव से हम स्वेलिंग से निजात पा सकते हैं और हमें स्वेलिंग नहीं होगी। तो हमें क्या करना है कि जब भी आप काम करें किचन में या कहीं भी, तो आपको क्या करना है कि आपको रेस्ट ले लेके काम करना है। आप वहाँ पे अपनी चेयर वगैरह रख लीजिए, तो अगर दिक्कत है तो आप बैठ के गैस नीचे रख के आप कर सकती हैं। मतलब आपको खड़े नहीं रहना है ज़्यादा देर तक, ठीक है। इसके बाद आपको ज़्यादा वॉक नहीं करनी है। इसके बाद आपके पैरों में अगर स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में आप कोई भी ऑयल लगा के अपनी उसकी मसाज भी पैरों की तलवों की कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि आप अपने पानी की मात्रा जो है लिक्विड का इंटेक ज़्यादा रखें, तो इससे क्या होगा स्वेलिंग में कमी नज़र आएगी। इसके बाद आता है पोटेशियम लेना। जी हाँ, जो कि होता है केले में। आपको केला ज़रूर खाना है क्योंकि इससे क्या होता है आपको स्वेलिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप केले का सेवन करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो प्लीज़ आप इनको फॉलो करना अगर आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है तो, क्योंकि प्रेगनेंसी में छोटी छोटी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे कि हमें जानकारी नहीं होती है इनसे निजात पाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको जो बता रही हूँ, अगर आप इस चीज़ का फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलती हूँ ऐसे छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।